कमाना खाना, खाना जो बनाए आपको ऐसे से ऐसा। इजी कुकिंग रेसिपीज और डाइट फूड के लिए सब्सक्राइब कीजिए कमाना खाना चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके बेल बटन ऊपर आएगा, उसे क्लिक कीजिए। आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी हमारी आसान इंडियन रेसिपीज। जय जिंदानी, कमाना खाना में मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। अब आप कहेंगे ये जो रेसिपी आपने देखी इसको क्या किचड़ पिचड़ करके मैं एक भाजी बनाने वाली हूँ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। ये मैं बना रही हूँ डाइट फूड, और ये डाइट फूड किस लिए है? क्योंकि ये सैलेड है। और अब आप कहेंगे कि हाँ कामिनी जी, इस सैलेड में क्या क्या पड़ेगा? चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये है कटे हुए टमाटर, ये है लच्छेदार सफेद प्याज, ये है लंबी कटी ककड़ी, ये है धनिया, ये है गाजर पतली लंबी कटी हुई, ये है एप्पल, ये है अनार छीले हुए, नींबू के कुछ टुकड़े और नींबू आधा दो, ये है आलू बॉइल्ड आलू टुकड़े किया हुआ, ये है चाट मसाला, ये है नमक, ये है काली मिर्ची, ये है मूंग स्प्राउट, जिसे आप पानी में रात को भिगो के रखते हैं तो उसके स्प्राउट निकल जाते हैं, फिर उसको गीले कपड़े में बांध के टांग देते हैं तो स्प्राउट अच्छी तरह निकलते हैं और ये बड़ी हेल्दी होती है, और ये है आधा कप पानी। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए बाजार में तरह तरह के सैलेड बिकते हैं और तरह तरह की कंपनियां सैलेड बना भी रही है, लेकिन सैलेड में क्या डालते हैं? सॉसेस। और फिर वो सॉसेस जो होती हैं उसकी वजह से मुंह में कभी छाले आते हैं, कभी पेट में जलन होती है, सबको सब सॉस सूट नहीं करती। और आप वाकई में हेल्थ कॉन्शियस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तबीयत एकदम चकाचक रहे सैलेड खाने के बाद, पेट पे बुरा असर ना पड़े, गले पे बुरा असर ना पड़े, तो आपको एकदम नेचुरल वे में सैलेड बनाना चाहिए, जैसे कामिनी खन्ना अभी बनाएगी। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ सबसे हार्ड चीज कौन सी है। यहाँ सबसे हार्ड चीज है गाजर, और थोड़ा बहुत ये भी हार्ड है मूंग। तो हम इसको हल्का एक भाप लगा देते हैं, एक सीटी लगा देते हैं। चलिए ये हमारा कुकर तैयार है, और मैंने इसमें ये मूंग जो है इसको सीटी लगाने के लिए डाल दिया, ये गाजर को डाल दिया, और मेरे पास ये देखिए कितना पानी है, बहुत ही कम पानी है, ना के बराबर, इसमें से भी मैं उतना पानी नहीं डालूंगी, आधा ही पानी डाला है मैंने। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इंडियन स्टाइल से नमक, हाथों से नमक, नमक के बगैर कोई चीज बनती नहीं। अब मैं इसे चम्मच से थोड़ा सा हिला दूंगी, और चम्मच से हिलाने के बाद ये मेरा कुकर तैयार है एक भाप लेने के लिए, सैलेड के लिए तैयार हो रहा है हमारा कुकर। अब एक बात आपको मैं बताऊं, सैलेड खाते हैं वेट लॉस के लिए और साथ साथ में स्वाद के लिए, और सैलेड खाते हैं कि थोड़ा सा पहले पेट भर जाए, या साथ खाने के साथ साथ सैलेड खाया जाए तो क्या होता है, खाने के साथ साथ सैलेड खाने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। अब इसमें जो जो डाला जा रहा है सैलेड में, उसमें जैसे सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, ककड़ी है, और मूंग है, तो स्प्राउट मतलब आपके पास बी कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया, आपके पास प्रोटीन हो गया, और ये जो उबले हुए आलू है तो कार्ब्स हो गए आपके पास में, और ये जो टमाटर है मिनरल्स वगैरह हो गए, विटामिन सी हो गया, प्याज है सफेद जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ककड़ी है जो एस्ट्रोजन से फुल होती है, जिसे मुंह पे भी लगाते हैं और गोरे गोरे हो जाते हैं, तो एक ये है, धनिया है जो कि हेल्थ के लिए और पेट के लिए बहुत ही ठंडा होता है, बहुत जरूरी होता है,
इसके साथ साथ काली मिर्ची है क्योंकि गले के लिए बहुत अच्छी होती है, और अनार है जिससे आपकी एजिंग रुकती है। आपको पता है एंटी एजिंग होता है अनार, और आप गूगल कर सकते हैं इसको। और नींबू है, लेमन, विटामिन सी, तो बहुत सारी चीजें जो कि सब्जियों और फ्रूट में पाई जाती हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और हम सब्जी और फ्रूट मिला के एक बनाएंगे सैलेड। अभी देखिए हमारा कुकर जब तक रेडी हो रहा है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसमें चाट मसाला डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा चटपट तो होना चाहिए ना खाने में। तो अब थोड़ी सी भाप लग चुकी है मूंग को और गाजर को, और ये जो प्लेट है हमारी सुंदर सी लाल वाली, इसमें हम ये सैलेड सजाएंगे। इसकी शक्ल बड़ी सुंदर होगी, देवानंद जैसी, क्योंकि देव साहब बहुत जिंदा रहे, लंबे उम्र तक, और बहुत ही हेल्दी रहे और जवान रहे। आइए उनकी शायद हेल्थ का ये राज हो सैलेड, हम आज आपको बताएंगे कि सैलेड को सजाना कैसे चाहिए। आइए पहले बिछा देते हैं हम एक कॉर्नर पर ये टमाटर। आजकल अंगूर का सीजन नहीं है तो अंगूर भी आप सजा सकते हैं। अब हमने सजा दिया प्याज। अब ये सफेद प्याज जो है, ये लच्छेदार प्याज जो है, इसमें थोड़ा सा प्याज आप ऊपर बचा के भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने सजा दी ककड़ी। अब ये ककड़ी जो होती है ना, ककड़ी जैसी, लोग बोलते हैं ना ककड़ी जैसी दुबली हो गई, ककड़ी खाने से ककड़ी जैसी दुबली आप हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इसके बाद हमने सजा दिया एप्पल। एप्पल एप्पल डाला, अरे वाह, एप्पल से आपको पता है कितनी बीमारियां दूर होती हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है एप्पल। और फिर इसके बाद हमने सजा दिया है आलू, जो कि आपको ताकत देगा, कार्ब्स है जिसमें, है ना। अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो उबली हुई गाजर है उसको लगा देंगे। अब देखिए मैंने तो ये सैलेड जो है एक दो लोगों के लिए बनाया खाने के साथ, अगर आपको ये सैलेड खाना हो तो शायद ज्यादा बनाना पड़े। अब इसके ऊपर हम ये लच्छेदार प्याज सजा देंगे। लच्छेदार प्याज बड़ा सुंदर लगता है, पता आपको लच्छेदार प्याज कैसे बनाते हैं? लच्छेदार प्याज, एक मिनट आप इधर दिखाइए, प्याज को काट के उसके छल्ले निकाल के गोल गोल और उसको पानी में भिगो दिया जाता है, तो उसके थोड़े देर बाद वो लच्छेदार प्याज बन जाता है। अच्छा आइए इधर आप, स्प्राउट जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं हेल्थ के लिए, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और बी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये माइंड के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसको मैंने फैला दिया, अब थोड़े से ये ज्यादा गिर गए, थोड़े कम गिर गए, तो थोड़ा बहुत चलता है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये जो अनार है जो कि एंटी एजिंग है, इसको भी सजा दिया है अनार को। अब देखिए इसकी शक्ल कितना खूबसूरत, कोई 5 स्टार से कम थोड़ी है ना मेरा किचन। और इसके बाद अब मैं निचोड़ दूंगी इसके ऊपर ये नींबू। अब आप नींबू निचोड़नी से भी नींबू निचोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से निचोड़ रही हूँ ये नींबू, अपनी ताकत का अंदाजा लगा रही हूँ कि तुम नींबू निचोड़ सकती हो। हाँ जी हाँ, मैं नींबू निचोड़ सकती हूँ, और मैंने नींबू को निचोड़ दिया। अब ये कटे हुए छोटे नींबू ये सजाने के लिए दिखाइए, यहाँ पर ये यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाएंगे अगर, तो आपको परोसने में भी अच्छा लगेगा मेहमानों को खाने के लिए, और जब आप परोसेंगे तो आपकी बड़ी तारीफ होगी। अब इतना होने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अब नमक के बगैर तो किसी चीज में मजा नहीं आता। नमक एक ऐसी चीज है जो मिकदार उसकी कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा खाने से क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए काली मिर्ची डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, ये है काली मिर्ची, और काली मिर्ची इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये मैंने डाल दी है इसके ऊपर, और अब ये पूरा सजा हुआ जो प्लेट है ये और भी गार्निश हो जाएगा धनिए से। क्या शक्ल बनी है, क्या आपका दिल नहीं कर रहा कि आप मेरे घर आ जाएं और फटाफट जो है ये सैलेड खा जाएं। आपका ये सब्जियों और फ्रूट का सैलेड तैयार है।
आज की डेट में ये डाइट सैलेड खाने से आप रहेंगे तंदुरुस्त, चुस्त और कामिनी खन्ना जैसा वेट लॉस भी हो सकता है आपका। तो कर सकते हैं आप ये घरेलू चीज तैयार घर में अपने रसोई में, इसमें कोई सॉसेज डालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसमें दही डाल सकते हैं और दही में फेंट सकते हैं इसको, जो मैंने नहीं फेंटा है। कईयों को दही की गले की एलर्जी होती है और दही इतना खाना ठीक नहीं समझते वो, तो आप देखिए तो कैसा बना है मेरा सैलेड, इसी को एंजॉय कीजिए, है ना। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तरह तरह की डाइट वाली भी और चटपटी चीजें भी, दोनों मिक्स। कभी आपका मूड करेगा कि आप पतले हो जाएं, और अगर आप पतले हो गए तो कभी कभी तो मूड करेगा कि चटपटा खाएं, तो दोनों डिशेस आपके लिए हाजिर है कमाना खाना चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/कमाना खाना। कमाइए भी और खाइए भी।